की है एवरी मैन एनोनिमस। एनोनिमस मेरे को पता ही नहीं कौन लिखा है, बहुत नामी लेकिन मशहूर क्या है, नाटक मशहूर नाटक है लेकिन एनोनिमस। क्वेश्चन नंबर देना, मैन इज एन एनोनिमस ड्रामा, वो जानता है नहीं कौन लिखा है। इट इज़ अ लेट 15th सेंचुरी मोरालिटी प्ले, 15th सेंचुरी का है, हम लोग 21st सेंचुरी में, करीब 600 साल पहले का ये नाटक है। मोरालिटी प्ले, मोरालिटी प्ले क्या होता है, मोरालिटी प्ले गिव्स अ मॉरल लेसन, कोई शिक्षा देता है। द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट सम गुड और बैड ट्रेट लाइक एंगर काइंडनेस ग्रीड एक्सेट्रा। और नाटक में जो सब पात्र होते हैं, किस होता है उसका वो पात्र करेक्ट हो गया, एंगर का नाम हो गया, दूसरा का नाम हो गया काइंडनेस, किसी का नाम हो गया लोभ इत्यादि। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन एवरी मैन आर, तो क्या है एवरी मैन, हर कोई, गॉड भी एक पात्र है, डेथ एक है, रिचेज एक है, गुड डीड्स है, विजडम है, कन्फेशन है, ब्यूटी है, स्ट्रेंथ है, डॉक्टर है, इतने सारे बहुत सारे कैरेक्टर। एवरी मैन इज़ अ रिच मैन, और एवरी मैन जो है क्या है, वो अमीर आदमी है। ही सडनली टोल्ड बाय डेथ, उसको मौत पकड़ के कहता है, गॉड वॉन्ट्स अ रिकॉर्ड ऑफ वॉट यू हैव डन, तो भगवान चाहते हैं कि तुम क्या चाहते हैं, उसका हिसाब चाहते हैं, समझे ना। कौन कहता है, डेथ कहता है एवरी मैन को। एवरी मैन इज नॉट प्रिपेयर टू मीट गॉड, तो एवरी मैन जो तैयार तो नहीं, झूठ सच सब जिंदगी में बोलता है, दूसरा तो भगवान के पास कैसे जाएंगे, उसको डर लगता है, एवरी मैन वो तैयार नहीं है भगवान के पास जाने। अब पेज टू में हम आ गए, एवरी मैन वॉन्ट्स टू मेक अ पिलग्रिमेज टू प्योरीफाई हिमसेल्फ। एवरी मैन क्या चाहता है कि हम तीर्थ यात्रा करें, अपने को पवित्र कर लें, तब भगवान के पास जाएंगे। ही वॉन्ट्स टू हैव समवन विथ हिम, अकेले तीर्थ यात्रा जाने में उसको अच्छा नहीं लगता है, तो किसी साथी को चाहता है। बट ऑल द पर्सनस आर बिजी इन देयर ओन होम, वही देखिए हर कोई बिजी है, कोई तो हमको फुर्सत नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। ब्यूटी इज ऑफ लिटिल हेल्प टू एवरी मैन, ब्यूटी जो है वो किसी मदद नहीं कर सकता, ब्यूटी डिपार्ट्स आफ्टर यूथ, जवानी भरी ब्यूटी रहती है उसका तो ब्यूटी भाग जाती है। रिचेज कीप्स चेंजिंग हिज स्टैंड, और आज रिचेज तो आज ये गरीब अमीर, तो कल वो अमीर, वो कल वो गरीब, ये बदलते रहता है पोजिशन। एट टाइम्स इज हियर, एट टाइम्स इज देयर, रिचेज कभी इधर कभी उधर, रिचेज भी साथ नहीं देता। स्ट्रेंथ लीव्स एवरी मैन इन ओल्ड एज, ताकत जो है जवानी पर रहता है, बुढ़ापे में उसको एवरी मैन को छोड़ देता है। देखिए कन्फेशन इज ऑफ सम, कन्फेशन जो है जो अपनी गलती कबूल लेता है वो कुछ मदद करता है। इफ़ वी एक्सेप्ट आर मिस्टेक वी इम्प्रूव आर कैरेक्टर, यदि हम लोग गलती महसूस कर लेते हैं तो हम लोग कुछ तरक्की करेंगे अपने जीवन में। डेथ इज अ पावरफुल कैरेक्टर, डेथ जो है वो शक्तिशाली पात्र है। थ्रू डेथ गॉड कंट्रोल्स एवरीथिंग, और डेथ के माध्यम से उसके भय से भगवान क्या करते हैं, एवरी मैन को कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी मेक्स द फाइनल स्पीच, ये डॉक्टर थियोलॉजी धर्म का जो है पारंगत पंडित जो है वो फाइनल भाषण देता है, क्या देता है, इट इज़ ओनली मैन्स गुड डीड दैट विल सेव हिम, पता अच्छा काम जो मनुष्य किया है वही उसको बचाएगा। डेथ इज अ वे बाई विच एवरी मैन कैन रीच गॉड, और मौत के माध्यम से ही कोई भगवान को पहुँच सकता है। वी शुड नॉट फियर डेथ, हम लोग को मौत से डरना नहीं चाहिए। अ बेटर लाइफ विल कम आफ्टर डेथ, मरने के बाद और अच्छा जिंदगी हम लोग को मिलेगा। एवरी मैन वॉज ओरिजिनली रिटन, लास्ट पेज है, इन मिडिल इंग्लिश, एवरी मैन को पहले लिखा गया था मिडिल इंग्लिश भाषा में, देखो बेटे जानू, थैंक यू जानू, मिडिल इंग्लिश में लिखा गया था। द प्ले हैज़ अ यूनिवर्सल अपील, तो विश्वव्यापी ये अच्छा लगता है सबों को, सबों को अच्छा लगता है। इट इज़ अ क्लासिक, क्लासिक में वो नाटक जो बार हर युग युग में अच्छा लगता है, क्लासिक है ये। इट्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर ड्रामेटिक्स, और दूसरे नाटककार इस नाटक को देख कर कुछ सीखते हैं। मार्लोज डॉक्टर फॉस्टर्स हैज सम इन्फ्लुएंस ऑफ एवरी मैन, डॉक्टर फॉस्टर्स नाटक है इस पर इसका प्रभाव पड़ा। एवरी मैन क्लोज टू डेथ रिमाइंड ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स वेन इज क्लोज टू डेथ, एवरी मैन जब मौत के करीब आता है तो हमको किसका याद दिलाता है, डॉक्टर फॉस्टर्स है जब वो मरने के करीब आता है। टेरर ऑफ डेथ इज इंटेंस इन डॉक्टर फॉस्टर, और मौत का भय डॉक्टर फॉस्टर से बहुत अधिक है। माउंटेन एंड हिल्स कम एंड फॉल ऑन मी, कहते पहाड़ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हम पर गिर पड़ो, एंड हाइड फ्रॉम द हेवी रात ऑफ गॉड, हमको बचाओ भगवान के गुस्सा से, इतना डर गया गल पाप किया है। एवरी मैन इज एबल टू सेव हिज सोल विद द हेल्प ऑफ कन्फेशन एंड गुड डीड, तो एवरी मैन अपने को बचा लेता है कैसे, कन्फेशन करके अपनी गलती महसूस करके और अच्छा कार्य करके। लास्ट पैराग्राफ है टू कंक्लूड, द प्ले एवरी मैन हैज यूनिवर्सल अपील,
द प्ले हैज इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर ऑफ ऑल एजेस. ये नाटक है, युग युग के नाटक को प्रभावित किया है. इट इज़ अ पिटी दैट द राइटर ऑफ दिस ग्रेट मोरालिटी प्ले शुड बी अनोन. ये दुख की बात है कि इतना अच्छा नाटक, नाटक का नाटककार कौन है हम लोग को पता भी नहीं है. दैट्स ऑल, थैंक यू.